हेलो जी, सत श्रीकाल। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो गुड न्यूज़ ये है कि ग्रीस के वीज़ा जो है आ गए। आज मेरे 4 टूरिस्ट वीज़ा आए हैं, सॉरी 3 टूरिस्ट वीज़ा आए हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा आया। चारों ही मेरे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब के, और चारों का ही जो है वीज़ा आ चुका है। और बिल्कुल जी, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, कि आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करना पड़ेगा पहले। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो डेफिनेटली दे विल गिव यू वीज़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती वीज़ा के अंदर। बट आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी है, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, इस चीज़ों का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप वीडियोज़ चेकआउट करते रहा करो, मैं प्रॉपर वे से आपको बताता रहता हूँ कि ग्रीस का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे बना सकते हैं, और फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है, बैंक स्टेटमेंट कैसे रखना है, इनकम ऑफ सोर्स जो आपका है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारी चीजें आपको मैं YouTube वीडियोस के ऊपर दिखाता रहता हूं। और जो आज वीजा आए हैं उनमें से एक से बात हो चुकी ऑलरेडी, और उन्होंने रिव्यू भी देंगे मेरे को वीडियो के थ्रू, वो अपना रिव्यू देंगे। और एक स्टूडेंट से बात हुई है, वो स्टूडेंट वीजा आया, उसका टाइप डी वीजा 1 साल का, और उसका भी रिव्यू आएगा बहुत जल्दी। अगर उनके जो वीडियो फेस के साथ आई तो बिल्कुल फेस के साथ मैं अपडेट करूंगा। अगर उनका जो लाइक नॉर्मल ऑडियो कॉल के अंदर उनका रिव्यू आया तो मैं ऑडियो ऑडियो के थ्रू जो है मैं मैसेज शेयर करूंगा। बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, वीडियोस के थ्रू आपके वीजा आ रहे हैं, एजेंट्स के बिना अप्लाई किया हुआ। स्टडी वीजा जो था बस उनकी हेल्प की थी मैंने, सिर्फ अपनी स्टडी वीजा इंटरव्यू के अंदर, और उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया था कि क्या क्या होता है, क्या ग्रीस के अंदर क्या सिस्टम है। तो स्टडी वीज़ा उनका भी आ चुका है, बट उन्होंने एजेंट से अप्लाई किया था, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि आप एजेंट से अप्लाई करो, डायरेक्टली आप अप्लाई करो। मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आप कैसे विदाउट एजेंट स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा तो मैंने बहुत बार समझाया हुआ है कि शेंजन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, शेंजन वीज़ा घर बैठकर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलआउट करना है, स्टेप 1 से लेकर एंड तक मैंने बताया आपको। तो बहुत ही खुशी होती है जब लोगों के वीज़ा आते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वजह के कारण, आपकी वीडियोज़ के कारण हमारा वीज़ा आ गया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, खुशी है दिल में, जो खुशी आप अपनी जो मेरी YouTube फैमिली है छोटी सी, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप भी ग्रीस का टूरिस्ट वीजा, शेंजन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और कंट्री का भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। तो मिलते हैं रिव्यू के साथ, बिल्कुल वीडियो आएंगी उनकी या उनके ऑडियो मैसेज आएंगे, रिव्यू लेकर आऊंगा विदाउट प्रूफ। मैं आपको पता है मैं कोई भी काम नहीं करता यूट्यूब के अंदर, मैं सारी वीडियोस मेरी जो है पूरी प्रूफ के साथ आती हैं। सो आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और मोटिवेट करेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा काम जो है आपके लिए करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।